तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकॉन ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। ये इस चीज को दर्शाता है कि मिथिला विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग जो है ये दलालों का अड्डा हो गया है और जो छात्र यहाँ के दलाल से संपर्क करते हैं उन्हीं के दलालों के द्वारा उनका पैसा पहुँचता है तो उनको पास कर दिया जाता है और जो छात्र छात्राएं दलालों के संपर्क में नहीं आते हैं उनका जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। मिथिला विश्वविद्यालय डिग्री बांटने वाली एक संस्थान बन गई है, यहाँ सिर्फ डिग्री का पता चलता है, पैसा दीजिए डिग्री लीजिए बात खत्म है, लेकिन जान बूझ कर बच्चों को फेल किया जाना ये शिक्षा माफिया को बढ़ावा देना है। यह इस जगह को ये काफी निंदनीय है। जब छात्र यहाँ आते हैं अपनी समस्या को लेकर तो उनको भगा दिया जाता है, कालर पकड़ के उनको धक्का दिया जाता है ताकि वो छात्र यहाँ पे जो दलाल घूमते रहते हैं उसके संपर्क में आए और दलाली का पैसा देके वो अपना रिजल्ट क्लियर करवाए और जो दलाल लोग कुछ कुछ पैसा लेके भी छोड़ देते हैं काम नहीं करते हैं। मिथिला विश्वविद्यालय मात्र एक दलाल का अड्डा बन के रह गया है जिसका कमीशन इस सारे विभाग में जाता है, इसीलिए ये लोग चुप हैं और तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। इसके खिलाफ हम आज बैठे हुए हैं और 3 बजा है, कल भी 3 बज जाएगा लेकिन यहाँ से जाएंगे नहीं। जब तक छात्र के साथ न्याय नहीं होगा हम बैठे रहेंगे छात्रों के साथ और इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और इस तानाशाही विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। बोले पैसा ही लेना चाहते हैं आप, या पैसा पे डिग्री देना चाहते हैं तो लिख दीजिए कि मिथिला विश्वविद्यालय का इतना में डिग्री मिल रहा है, हम लोग खरीद लेंगे। अरे हम लोग इतना साल तक पैसा बर्बाद करने के लिए जब लड़ सकते हैं तो हम डिग्री खरीद भी लेंगे और जो बेच रहे हैं बेचने वालों को भी खरीद सकते हैं। यहाँ के वो जो प्रशासन है, यहाँ के कुलपति, यहाँ के कुल सचिव के द्वारा जब हम आज सुबह से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो उनके द्वारा कहा जाता है कि हम आप पे FIR करवा देंगे, आपको जेल भिजवा देंगे। हम लोग जेल जाने से डरने वाले नहीं हैं, हम लोग छात्र हैं, हम लोग संसद का भी घेराव करेंगे लेकिन इस रिजल्ट को क्लियर करवा के रहेंगे और छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लगातार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। परीक्षा फल जारी करने के बाद अनेक त्रुटियों का सामना छात्रों को किया जा रहा है। आज सामाजिक कार्यकर्ता वे वरिष्ठ छात्र नेता प्रेम पासवान ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर उग्र आंदोलन किया, जिसमें मुख्य मांग थी कि इस बार के परीक्षा फल में जो भी छात्र छात्राओं को प्रमोट किया गया है 8 नंबर, 0 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर अंक दिया गया है फिर अब्सेंट कर दिया गया है, उन सभी को पास किया जाए। सबसे पहले विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं को पूरा सिलेबस तैयार कराए तभी एग्जाम ले, अन्यथा एग्जाम ना ले। कोरोना महामारी में एग्जामिनेशन फी बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, उसे कम किया जाए और अभी तक जो भी गड़बड़ी Part 1 के रिजल्ट में किया गया है उसे अविलंब ठीक किया जाए। आगे सुनिए छात्र छात्राओं ने क्या कहा। तो उसके गार्ड के द्वारा हाथापाई किया गया, मोबाइल छीन लिया गया, नीचे गिरा दिया गया मोबाइल VC के सामने, ये कैसा रवैया है, हम अपने अधिकार नहीं मान सकते हैं क्या? आज हम लोग को 6 दिन से दौड़ाया जा रहा है, 6 दिन से दौड़ रहे हैं, वहाँ जमा भी ले लिए हैं तो फिर देरी कौन चीज में हो रहा है रिजल्ट देने में। छात्र नेता है, यहाँ पे जो परेशानी हो रहा है उसको लेकर के आपने क्या किया? देखिए हमने पूर्व में भी ज्ञापन दिया था और इन्होंने आश्वासन भी दिया था कि ग्रेजुएशन फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट के छात्र छात्राओं को पास किया जाएगा विशेष परिस्थिति में कोरोना महामारी को देखते हुए, लेकिन जब रिजल्ट प्रकाशन किया गया है तो सभी को प्रमोट फेल किया गया है। खिलाफ हम आज बैठे हुए हैं और 3 बजा है, कल भी 3 बज जाएगा लेकिन यहाँ से जाएंगे नहीं। जब तक छात्र के साथ न्याय नहीं होगा हम बैठे रहेंगे छात्रों के साथ और इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और इस तानाशाही विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रेम पासवान, सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ छात्र नेता, दरभंगा। को भी ये चैलेंज किया था कि यदि आपको हम पे डाउट लग रहा है तो आप क्वेश्चन उठाइए, आप चेयर लगा के बैठिए, आपने PhD कर रखी है, IIT दिल्ली से कर रखी है,
आप आइए और मुझसे क्वेश्चन पूछिए, लेकिन शर्त मेरा एक रहेगा, यदि हम इस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो आपको अपना चेयर छोड़ना पड़ेगा, आपको विश्वविद्यालय त्याग करना पड़ेगा, और नहीं हम फेल होते हैं तो आपको जो सज़ा दे रहा है वो मंजूर है, सज़ा कर रही है मंजूर है। लेकिन उन्होंने इस बात का भी कोई जिक्र नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, वो सुन लिया चल दिए, इसका मतलब कि उसके अंदर नॉलेज नहीं है, उसको कैपेसिटी नहीं है विश्वविद्यालय संभालने का। जब ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं तो बोली लगाए अपना कि क्या उसका रेट है, हम खरीद लेंगे उसको। किनको ये बातें आप भीसी को बोले, हम वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, कल जब हम गए तो उसके गार्ड कैसे। अभी आप यूनिवर्सिटी में 3 बजने जा रहे हैं, आप बैठी हुई हैं, क्या समस्या हो गई आपको? मुझे जूलॉजी की प्रैक्टिकल में एब्सेंट कर दिया गया था, जबकि मैं एग्ज़ाम दी इस समय कॉलेज से प्रूफ भी लाई, पर यहाँ यूनिवर्सिटी सुनने को तैयार ही नहीं है, ना मार्क्स देने को तैयार है। क्या बोलता है? तो बोलता है इसको आप रख दीजिए, मुझे जब मन होगा तो मैं नंबर दे दूंगा या फिर नहीं भी दूंगा। ये मुझे कोई आश्वासन नहीं दे रहा है कि हम कब तक मिल जाएगा या मिल जाएगा, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो लगभग कितने दिनों से आप आ जा रहे हैं? 6 दिन से मैं आ जा रही हूँ। क्या नाम हुआ आपका? राखी कुमारी। भूखे प्यासे यूनिवर्सिटी में आप बैठे हुए हैं, क्या दिक्कत हो गई जो बैठे हुए हैं? जी मेरा एब्सेंट कर दिया गया है बच्चे को, तो हम गार्जियनों को वहाँ से कॉलेज से मेमो निकाल कर लाए हैं, अब बोला जा रहा है कि आप मार्कशीट निकाल कर लाइए प्रैक्टिकल का। कहाँ से आए हैं आप? समस्तीपुर से आए हैं सर। समस्ती बोले नहीं कि हम समस्तीपुर से आए हैं, हम कैसे अभी तुरंत जाएं, कोरोना काल चल रहा है। हम बोले कि 15 तारीख तक डेट है, सो देख लीजिए आप, वो अपना मंगवा सकते हैं, आपका लिंक बहुत लंबा है, हमसे तो हो नहीं पाएगा, तो बोला नहीं आप जा कर के निकाल के लाइए। हम बोले आप तो कॉपी मंगवाए थे ना कॉलेज से कॉपी यूनिवर्सिटी मंगवाई थी, चेक किए आप, तो मतलब कि एक कॉपी कैसे छूट गया प्रैक्टिकल का, ये आपकी जिम्मेवारी है, आप मंगवाइए, आपको हम मेमो दे रहे हैं कि हम प्रेजेंट हैं, तो आप निकलवाइए, तो ये काम हम नहीं करेंगे। क्या बोलता है रिजल्ट को लेकर? रिजल्ट के लेकर के 1 सप्ताह के बाद आइए, 10 दिन के बाद आइए, ऐसा ही मतलब कि हम लोग को दौड़ाया जा रहा है। कंप्यूटर सेक्शन में जाके जमा किए हैं बच्चे का? जी जी, कंप्यूटर सेक्शन में जमा कर दिए हैं। वहाँ पे जाके कुछ भी रिस्पांस नहीं कर रहे हैं? कुछ भी रिस्पांस अच्छे रूप से नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राखी देवी है, बेटी का नाम है, बेटी को गार्ड लेकर आया।